बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं वटाना सोहा आलू कीमा। तो आज हम ये रेसिपी आपको दिखा रहे हैं, हरा मसाले का बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें कीमा ले लेना है। कीमा आप कोई भी ले सकते हो, हाथ का या मशीन का। मटर लेना है, आलू लेना है, सोहा लेना है, चॉप करके प्याज लेना है, हरा धनिया पुदीना लेना है, अदरक लहसुन लेना है और मिर्ची लेना है। मिर्ची आप अपने हिसाब से लेना, जितना आपको तीखा रखना हो। तो देखिए हमें कुकर में ऑयल डाल देना है। हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन फ्राई करके लेना है, क्रिस्पी जैसे। अच्छा सा हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है प्याज को। तो देखिए जब तक हम हमारा मसाला पीस कर ले लेंगे, हरा धनिया पुदीना डाल के, मिर्ची अदरक लहसुन सारी चीज़ें डाल के, थोड़ा सा हमें पानी डाल के ग्राइंडर में अच्छी तरीके से हमें इसका पेस्ट बना कर ले लेना है ग्रीन कलर का। तो देखिए हमारा प्याज जो है अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्राई। उसके बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे। इसको हम ऐसे ही बिना सीटी लगाए, ढक्कन लगाए ऐसे ही हम भुनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। सारे मसाले जैसे ही हम डालते जाएंगे तो हम भूनते भी जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो मसाला है उसमें कड़वापन नहीं आता है और जो कच्ची स्मेल रहती है वो भी नहीं आती अच्छी तरीके से भूनने से। तो देखिए उसके बाद हमने जो मसाला पीस कर रखे हैं हम वो डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालना है, एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। तो देखिए हम ऐसे ही भून लेंगे इसको, मसाले को, अदरक लहसुन सारी चीज़ें जो हमने पेस्ट बनाकर डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं, इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही भून कर ले लेंगे। तो देखिए हमारा कीमा जो है अच्छी तरीके से भून चुका है, ये देखिए आप। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा हमें कीमा गलने तक के पानी डाल देना है। और अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। जैसे ही हमारे कीमे में अच्छी तरीके से बॉईल आया है तो हमने इसे ढक्कन लगा दिए। इसे हम 2 सीटी ले लेंगे कीमे को, जितना हमारा कीमा गल सके हमें उस हिसाब से अपने अंदाजे से हमें सीटी लेना है हमें अपना कीमा गलाने तक के। तो देखिए जो हमने मटर और आलू लिए हैं, सोहा लिए हैं, वो सारी चीज़ें भी डाल देंगे और हम अभी फिर से 2 सीटी लगा लेंगे। हमारा जो आलू मटर है कीमा है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाने तक। नींबू हम डाल देंगे इसमें, अच्छा सा हमारा चटपटा सा कीमा बनने के लिए। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये ग्रीन कीमा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, फिर से हम इसे 2 सीटी ले लेंगे। तो देखिए हमने 2 सीटी ले लिए हैं, अब हम खोल के चेक करते हैं। तो देखिए हमारा आलू कीमा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल चुकी है देखिए। और हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हमने कोई खड़ा गरम मसाला नहीं डाले हैं तो हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बस इसे 2 मिनट के लिए हमें गैस पर रखना है वापस, ज़्यादा हमें गरम मसाला पाउडर डाल के इसे पकाना नहीं है गैस पे। बस हम इसे 2 मिनट में बंद कर देंगे और हमारा कीमा जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब हमारा कीमा बनके तैयार हो गया है। हम इसे बर्तन में निकाल के सर्व करके ले लेंगे। देखिए बहुत ही यम्मी बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है कीमा। तो देखिए हमारा ग्रीन कीमा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।